Good morning. Assalamualaikum guys, how are you doing? I hope you all are doing good. So back with another video. In this video I'm gonna show you how my Sundays goes. तो सुबह के 9:30 बजे और मेरे को जल्दी उठने की आदत है. अगर मैं रात में 5 बजे भी सोया तो मैं 9, 9:30, 10 बजे तक ऐसा उठ जाता हूँ. और दूसरी बात ये है कि बहुत बोरिंग जाता है मेरा संडे. और संडे थोड़ा बहुत एक्साइटिंग जाता होगा, लेकिन जो बाकी के डेज हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सारे तो बहुत बोरिंग जाते हैं. वैसे बोरिंग इन द सेंस कोई भाई नहीं है, कोई फैमिली में टोटली अलोन हूँ मैं, और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है. तो हैंग आउट या फिर नाइट आउट वगैरह अपने से नहीं होता, अपन घर में ही रहते हैं शरीफ अच्छे बच्चे की तरह. तो जाके देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता, ये संडे कैसा जाता. वैसे तो बहुत बोरिंग जाता, विल सी. चार पाँच ग्लास पानी, और संडे रहो मंडे रहो वेनसडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, तो वॉट एवर डेटने के बाद 5 ग्लास पानी, 5 ग्लास 1 लीटर के ऊपर पानी सबको पीना चाहिए. रात भर अपनी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती, और सुबह उठने के बाद 4-5 ग्लास पानी बहुत बेनिफिशियल रहता है आपकी बॉडी के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए. और पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट, अगर आप जिम नहीं जा रहे. मैं तो 2-3 महीने से नहीं जा रहा हूँ जिम. लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसके लिए दिया था जिम को, तो कंटिन्यू में नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं घर पे ही कभी मॉर्निंग. पानी पीने के बाद आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना होता, तो मैं वो टाइम में कुछ भी न्यूज़ या फिर वर्कआउट पुशअप्स कुछ भी होम वर्कआउट बॉडी वेट कर लेता हूँ. तो अभी करके आ रहा हूँ मैं वही अभी. और मैं ब्रेकफास्ट बहुत लाइट एकदम, कुछ यू नो बनाना फ्रूट, 1-2 फ्रूट या फिर ओट्स वगैरह, दैट्स इट. और ब्रेकफास्ट कम ही करना चाहिए, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंडेटरी. कम करो लेकिन अच्छा खाओ. ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए, जो मॉर्निंग में अपन जो सुबह उठने के बाद जो खाते हैं. नॉर्मली डे का फर्स्ट मील रहता वो, तो वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और मेक श्योर अगर आप जिम जा रहे तो डाइट तो बहुत ज़रूरी है, और डाइट में ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए लोग ओट्स खाते हैं. ओट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने को ओवरऑल पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक. वो लो डाइजेस्टिंग फूड है, तो स्लो डाइजेस्ट होता है और अच्छी एनर्जी मिलती है ओट्स से. तो मैं भी वही खाता हूँ, ओट्स या फिर फ्रूट्स वगैरह कुछ. तो मेक श्योर ब्रेकफास्ट हेल्दी करें आप. और लंच और डिनर बता दें क्या करते हैं, अभी तो डाइट पे नहीं है, तो लेट्स सी क्या करते हैं. सो ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, और मेरे को ये छोटे वाले बनाना बहुत पसंद, जो साइज़ में छोटे और मोटे रहते हैं ना. और मैं सुना था इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है, काफ वगैरह, पता नहीं वो सही है या नहीं. और अंजीर एंड ग्रेप्स. तो ब्रेकफास्ट हो गया, और घर के कुछ काम थे वो भी हो गए. और मेरा दोस्त सुबह से फ़ोन कर रहा 9 बजे से, क्या मिलेंगे मिलेंगे, बहुत टाइम होगा नहीं मिल गया उससे. तो उसके बाद जा रहा हूँ अभी, उसके बाद जाके देखेंगे कि हाउ इट गोज, कैसा जाता और बाकी का दिन. वैसे 1 बज रहा अभी, तो नमाज़ पढ़ लेके निकलना है, उसके बाद जाके देखेंगे. स्टे ट्यून. और उसके साथ साथ मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया, वो जो नेटवर्क वाईफाई का जो नेटवर्क आता वही नहीं आ रहा. ये नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे पास वाईफाई वाला, पता नहीं क्या हो गया इसको. सो आई एम रेडी नाउ. कैसा लग रहा हूँ मैं? ब्लैक ब्लैक ऊपर से नीचे तक.
गाड़ी, टूटी फूटी गाड़ी, बहुत शादी बेचारी रोज सुबह उठते ही पूछते हूँ मैं उसको, ऐसा रोज पूछ लेगी। रात में दो सौ चलाया था, अब फिर ऑफ हो गई गाड़ी होने के छोड़ा। दोस्त की शॉप है ये, नेशनल क्रॉकरीज आइटम, ग्लास आइटम, किचन आइटम, किशनबाग पे खाना अच्छा आया तो आ सकते, सब कुछ मिल जाता आपको, जो किचन और होम मिल जाके मिलेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, अरे भाई और भैया कहाँ है भाई, तुम्हारे फ़ोन कर रहे हैं, नहीं आते समझा था मैं आ गया, गरीब से मिलने। और भाई थोड़ा बिजी था। देखो भाई के शॉप है ये किशनबाग पे, क्रॉकरी होमीस वगैरह। भाई क्या क्या मिल जाता है आपकी शॉप में, ज़रा बोलेंगे अपने व्यूअर्स को। क्रॉकरी मिल जाती है अपने पास, ग्लास आइटम, किचनवेयर आइटम मिलते हैं, ग्लासवेयर आइटम मिल जाता, गिफ्ट्स एंड भी ओल्ड मिलते हैं, डिफरेंट नॉवेल्टीज की पूरी वैरायटी मिल जाती है। किसी को अगर देना करना है तो शादी करो अच्छी, मतलब एक अच्छा गिफ्ट लागे तो। भाई मैं चाल करता ना भाई, नहीं जी एक करो, एक ही बार दे रहा हूँ ना भाई। तो अपने पास पूरा स्टील, प्लास्टिक, फाइबर, मेलामाइन और क्रॉकरी का हर वो चीज़ मिल जाती है। डिनर सेट वगैरह सब मिल जाती है, चीज़ डिनर सेट, आइसक्रीम सेट, लेमन सेट, हर वो आइटम। आपकी शॉप में आपके हिसाब से सबसे अच्छे बेस्ट आइटम्स क्या रहते हैं किचन के? किचन वेयर आइटम पूरा मिल जाता है आपको, किचन के बॉक्सेस से लेके घर के डोरमैट तक, डोरमैट तक हर चीज़ मिल जाती। तो शॉप कहाँ पर आपकी, लोगों को बोलना चाहेंगे? ये किशनबाग एक्स रोड से पहले पेट्रोल पम्प है, नहीं इंडियाना बेकरी के रोड पर, इंडियाना बेकरी के रोड पर पुराने पेट्रोल पम्प के बाजू में, नेशनल क्रॉकरी, नेशनल क्रॉकरी एंड ग्लास। एग्जीबिशन में भी स्टॉल रहता है अपना, 1 जनवरी से 15 फरवरी, छोटा मोटा कारोबार है गरीब का। अरे रेंडो रेंडो रेंडो। तो जैसा कि आप लोग सब सुने, इनका क्रॉकरी का शॉप है नेशनल क्रॉकरी, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आके कुछ डिस्काउंट होना तो मेरे को मैसेज करो आप, या मेरे को फ़ोन करो, इंशाल्लाह अच्छा है। लोग डिस्काउंट नहीं करते, लेकिन ज़्यादा नहीं करते डिस्काउंट, नहीं नहीं कर दे कर दे। आओ कैसा भी दुकान पे, आप शॉप पे देखो, शॉप बता दे तो एक बार। तो कैसा निकलता देख रहे हैं, एक्शन देखो भाई का, तुम जोर नहीं डाल रहे रवि, तुम जोर डालो, क्या बात है, गरारो पानी। मेहनत करे तो निकलता जी पानी। तो मेहनत कर रहे हैं ना, अभी तक मैं
हेलो जी डालते जा रहे हैं कोई सा हेलो जी देख रहा हूँ बच्चों कैसा रहता नहीं मालूम मेरे को कौन है कहीं नगर की है ना तुम कामाडी क्या भैया तुम भी तुम भी कहाँ वाले नहीं करीम नगर का पूरे हैदराबाद में ना अलामा देखने आके बच गए तुम ना पूरे डाल देना पड़ता सर पे भैया प्याज पूछो ना अरे जी कठोरी के बाद प्याज पूछते सबको मौका मिलता सबको मौका मिलता भैया प्याज डालते हैं बच्चों को डालते हैं जरा तेज बनाओ भैया भाई क्या देखे बोलो जी अरे जी भैया डाल रहे ये प्याज है या गच्चुप है गच्चुप में प्याज डालना हाँ उसके बाद क्या करना दुआने पड़ते यार जंगली दुआने पड़ना गच्चुप की दुआ नहीं दिखे हमें अरे थैंक यू गच्चुप बना सही खूबसूरत बनना तुम्हारे से मैं खाने आ रहा हूँ अनिल की फूट रहा था नको खाओ तुम मैं खा लेता अरे अच्छा अच्छा भैया एक बार अनिल की फूट को हाथ में चला देखना भी देखना भी नहीं देखे तो क्या होता भैया पेट में दर्द होता पेट में दर्द होता बैक टू होम रात के 1 बज रहे अस्सलाम वालेकुम गाइस बैक टू होम इट्स 1:30 PM सॉरी तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग डे बहुत सारे काम थे वो भी हो गए दोस्तों से मिलना था वो भी हो गया लैपटॉप बन गया और भी कुछ थोड़े बहुत काम थे जो पूरे साथ साथ बहुत टायर्ड भी हो गया मैं सुबह 11 बजे से जो ट्रैवल कर रहे अब तक ट्रैवल कर रहे और ट्रैवलिंग सूट नहीं करता स्पेशली अगर अपन 2-व्हीलर पे रहते और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें तो फिर सब में बहुत दर्द होता और मेरे आँख से ऐसा पानी निकलता पता नहीं सबको होता नहीं होता मेरे को चाहिए बीमारी और उसके साथ साथ बहुत सारा मज़ा आया आज मॉर्निंग से इवनिंग तक अभी मैं घर को कुछ 1:30 बजा अभी खाना वाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दबा के हो गया आज तो बहुत ज़्यादा हो गया आज तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग का संडे कैसा गया नीचे कमेंट करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे अब तक तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे कंटेंट के साथ कोई और अच्छे ब्लॉग के साथ तब तक ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़